हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शुगर कैन से खीर। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो हम क्या करेंगे, हम बना रहे हैं गन्ने के जूस की खीर, जिसको हम शुगर कैन भी बोलते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक से बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है और अच्छी भी लगती है खाने में। तो हम इसको कैसे बनाएं, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है गन्ने का जूस, जो मैंने लिया है 1.5 यानी 1.5 लीटर जूस लिया है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक बर्तन में डाल लेंगे छन्नी से छानते हुए। तरीके से मैंने छान लिया है, जो भी इसके अंदर था कुछ एक्स्ट्रा तो वो हमारे छन्नी में आ गया है। इसको हम अलग हटा देते हैं और अब हम क्या करेंगे, हम गैस ऑन कर देंगे और इसको बॉयल आने देंगे। और इसके साथ हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिया है 1 बाउल राइस। ये मैंने छोटे वाले राइस लिए हैं, बासमती चावल नहीं लिए हैं, स्मॉल वाले राइस लिए हैं जो हम खिचड़ी या खीर के लिए यूज़ करते हैं। और इनको हमने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया है। ये हमें 30 मिनट्स भीगे रहने देने हैं, तो ये हम भिगो के छोड़ देते हैं और हम जूस में बॉयल आने का वेट करते हैं। ये बॉयल आने लगा और इसके ऊपर जो झाग हैं वो हमें छन्नी की हेल्प से इस तरीके से निकाल के बाहर करने हैं। इस तरीके से हम इसका सारे ही बाहर निकाल देंगे छन्नी से। जो इस तरीके से हमने इसके झाग निकाल के बाहर किए ना, इसका मतलब है कि हम जो गन्ने के जूस में निखारी कर रहे हैं, मतलब ये हमें इसमें कुछ डाल, जैसे हम शुगर में वो डालते हैं ना दूध, और तब हमारी शुगर में से निखारी होती है। तो हमें इस जूस में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे ही उबाल आएगा ऊपर से झाग आएंगे और वो हमें एक दो बार छन्नी की हेल्प से निकाल लेने हैं, तो हमारा खुद से अपने आप ही ये जूस की निखारी हो जाएगी अच्छे से और ये बिल्कुल क्लीन सा हमारा जूस हो जाएगा। तो ये हमने अच्छे से इसमें से जो भी झाग आए थे वो हमने निकाल लिए और अब हम जो हमने राइस भिगोए थे ना, इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेते हैं, इसमें ऐड कर देंगे। चला लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए हमने सारे चावल इसके अंदर डाल दिए हैं और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर हम इसे रखेंगे तो ये बॉयल होकर बाहर आ जाएगी। सो हम इसको मीडियम फ्लेम पर बॉयल होते हुए बीच बीच में हम इसको एक दो बार चलाएंगे और जब तक हमारे राइस अच्छे से कुक नहीं होते तब तक हम इसको बनने देंगे ऐसे ही। ये देखिए ये अच्छे से थिक हो गया है और हमारे मोस्ट ऑफ राइस अच्छे से कुक हो गए हैं। अभी हमें थोड़ा सा अभी और कुक होना है, तो हम इसको, क्योंकि अभी हमारा जो जूस है वो इसमें ठीक हो गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे थोड़ा ढक के, ताकि भाप में भी ये हमारे अच्छे से कुक हो जाएं। चेक कर लेते हैं, ये देखिए हमारे राइस अच्छे से कुक हो गए हैं और ये ठीक भी हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कि हम डाल रहे हैं इसमें, आप चाहें तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये बादाम ले सकते हैं, उसको कट करके डाल सकते हैं, काजू, ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी। लेकिन जो इसका फ्लेवर आता है, जैसे ये गांव में बहुत ज़्यादा बनती है तो वहाँ पे जिस ट्रिक से बनती है मैं वही ट्रिक आपको बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा और टेस्टी फ्लेवर आता है, तो उसमें वो लोग डालते हैं ये पीनट्स ऐड करेंगे और साथ में हम करेंगे इसमें ऐड कोकोनट, ड्राई कोकोनट है जिसको हमने बारीक बारीक किस तरीके से कट कर लिया है। ये आप जो आलू छीलते ना नाइफ से, उस वाले नाइफ से हम इसको अच्छे से कट कर सकते हैं। तो ये डाल लेंगे हम इसको और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये थिक हो गई है, कुछ लोग इसको ऐसे ही खाते हैं या फिर इसको ऐसे ही रखते हैं और साथ में हम इसको दही और मट्ठे से खाते हैं, तो उसका क्या टेस्ट आता है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। भाई खीर हमारी मीठी है क्योंकि जूस से बनी हुई है और कर्ड और बटर मिल्क हमारा थोड़ा खट्टा होता है, तो उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन हम इसको मिल्क वाली बना रहे हैं, तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे,
क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे तो हमारी जो खीर है वो फट सकती है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि इसको हम गैस की फ्लेम से हटा देंगे और फिर हम अलग से दूध बॉयल करेंगे और तब हम इसमें बॉयल दूध मिक्स करेंगे। एक बात और कि जितना आपको यूज करना है आप उतने ही खीर में मिल्क यूज मतलब मिक्स करें और इसको जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल के अलग रख दें, क्योंकि तब अगर आप इसको गर्म करेंगे बार बार तो उसका फटने का थोड़ा डर रहता है। तो अभी हम सारे में ही मिल्क ऐड नहीं कर रहे हैं, अभी मैं इसमें से हाफ अलग रख देती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब खाएंगे हम बाद में तो हम उसमें मिल्क गर्म करके ऐड कर लेंगे, वही फ्लेवर वही टेस्ट आएगा। तो एट दिस टाइम हम इसको थोड़ा सा अलग निकाल लेते हैं। हमें यूज करना है उतने ही खीर में हम अपने दूध मिक्स कर लेते हैं, इसको चला लेते हैं। आप इसमें दूध अपनी चॉइस से अपने हिसाब से मिला सकते हैं, कम या ज्यादा, कि आपको इसे कितने लिक्विड फॉर्म में खाना है। ज्यादा थिक खाना है तो कम दूध यूज करें और कम पतली फॉर्म में खाना है तो थोड़ा ज्यादा दूध इसमें आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी परफेक्ट खीर, गन्ने की जूस की खीर बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है और खाने में भी अच्छी है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। अच्छे से बनके हमारी खीर रेडी हो गई है। अब लास्ट में हम इस पे डाल देते हैं थोड़ा सा कोकोनट, ड्राई कोकोनट, गार्निशिंग के लिए अच्छा लगता है। तो ये हम फटाफट इसको जूस से बना सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो बस बनाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हमारे जूस में उबाल आने लगे तो हम उस छन्नी से उसके ऊपर से जो झाग आते हैं वो निकाल देंगे, तो हमारे जूस की अच्छे से निखारी हो जाएगी। सेकंडली हम राइस अच्छे से कुक होने देंगे और अगर हमारा खीर ज़्यादा थिक होगी है, जूस थोड़ा कम लग रहा है, तो या तो आप उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने दें, राइस अच्छे से कुक हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप हल्का सा पानी लेंगे जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है और उसको थोड़ा बॉयल करके आप उसको भी मिक्स करके राइस को कुक कर सकते हैं। और अच्छे से कुक जब हो जाए तो आप उसको थोड़ा भाप निकाल के ही उसमें मिल्क ऐड करें और जो मिल्क ऐड करना है वो आपको, तो वो मिल्क आप गर्म करके ही ऐड करें, क्योंकि अगर आप उसमें ठंडा मिल्क ऐड कर देंगे और फिर आप उसको बॉयल करेंगे तो हमारी खीर को फटने का डर रहता है, क्योंकि ये हमारे शुगर कैन की खीर बनी हुई है। सो आप इसको बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को कम्प्लीटली देखें। थैंक यू।